हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बाउंड्री बॉक्स बेस क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें स्केच ज्योमेट्री बनाना होगा जिसमें हम बाउंड्री बॉक्स बेस यूज करेंगे। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्केच रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक फ्री हैंड सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। दोस्तों, पिछली लेक्चर में हमने सीखा था कि डिस्टेंस पे प्लेन कैसे इंसर्ट करते हैं। प्लेन इंसर्ट करने के लिए फीचर्स पे क्लिक करें। रेफरेंस ज्योमेट्री के नीचे एक एरो है, इस पे क्लिक करें और प्लेन पे क्लिक करें। प्लेन इंसर्ट करने के लिए आपको रेफरेंस देना होगा। पार्ट के बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करें और टॉप प्लेन सेलेक्ट करें। हम डिस्टेंस पे प्लेन इंसर्ट करेंगे, तो डायमेंशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें। हम यहाँ पे 60 mm एंटर करेंगे। ओके कीजिए। तो ये देखिए, हमारा प्लान इंसर्ट हो गया। अब हम इस प्लान पे स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए प्लान पे क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें और नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक फ्री हैंड सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। प्लेन हाइड करें। अब हम यहाँ पर बाउंड्री बॉस बेस यूज करेंगे, तो फीचर्स पे क्लिक करें और बाउंड्री बॉस बेस पे क्लिक करें। तो अब आपका बाउंड्री बॉस बेस कमांड एक्टिव हो गया। बाउंड्री बॉस बेस में डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 दिया गया है, जबकि लुफ्टेड बॉस बेस में प्रोफाइल्स और गाइड कर्व्स दिया गया है। बाउंड्री बॉस बेस में स्केच सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्शन 1 वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच सेलेक्ट कीजिए। तो हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और दूसरा स्केच हम सर्किल सेलेक्ट करेंगे। बाउंड्री बॉस बेस के हर एक स्केच में एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जिसमें कि डायरेक्शन वेक्टर, नॉर्मल टू प्रोफाइल, डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल टू प्रोफाइल, जबकि ये लुफ्टेड बॉस बेस में यह ऑप्शन नहीं होता है। देखिए, लुफ्टेड बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए, रेक्टेंगल और दूसरा सर्किल। तो यह देखिए, वो डायलॉग बॉक्स नहीं दिया गया है, इसे कैंसिल कीजिए। बाउंड्री बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच, रेक्टेंगल और दूसरा सर्किल। इस पॉइंट को ड्रैग कीजिए और इसे नॉर्मल टू प्रोफाइल और इसे भी नॉर्मल टू प्रोफाइल। आप टेंजेंट लेंथ को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे देखिए, स्केच 1 टेंजेंट लेंथ 1.5 और स्केच 2 में ये ड्राफ्ट एंगल, इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके कीजिए। तो ये देखिए, हमारा मॉडल बनके तैयार हो गया बाउंड्री बॉस बेस कमांड की मदद से। अब हम डायरेक्शन 2 देखेंगे। तो इस बाउंड्री
बॉस बेस को डिलीट कीजिए, राइट प्लेन स्केच नॉर्मल व्यू, शिफ्ट के साथ इस स्केच और इस स्केच को कन्वर्ट एंटिटीज कीजिए। अब शिफ्ट के साथ इस स्केच और इस स्केच को कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कीजिए। अब हम स्प्लाइन कमांड की मदद से एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए, फ्यूचर्स बाउंड्री बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए स्केच और दूसरा स्केच। और इसे कीजिए नॉर्मल टू प्रोफाइल और इसे भी नॉर्मल टू प्रोफाइल और डायरेक्शन टू में यह स्केच सेलेक्ट कीजिए। और इसे भी कीजिए नॉर्मल टू प्रोफाइल। तो देखिए यह अजीब सा डिज़ाइन बन रहा है, तो इसे हम नॉन करेंगे और इसे भी हम नॉन करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए हमारा गाइड कर्व के रूप में यह डायरेक्शन टू यूज हो रहा है। हम एक और कर्व से यूज करेंगे, तो इसे डिलीट कीजिए। यह स्केच को एडिट स्केच कीजिए और नॉर्मल व्यू, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करें और मिरर एंटिटीज सेलेक्ट कीजिए स्केच और मिरर अबाउट में यह सेंटर लाइन, ओके करें और एग्जिट स्केच कीजिए। बाउंड्री बॉस बेस में सेलेक्ट कीजिए स्केच और यह दूसरा स्केच, इसे ड्रैग कीजिए और डायरेक्शन टू में यह स्केच सेलेक्ट कीजिए, ओके और दूसरा यह स्केच सेलेक्ट कीजिए, ओके। तो देखिए हमारा डायरेक्शन टू एक गाइड कर्व्स की तरह बिहेव कर रहा है, पर यह सॉलिड बॉडी है। अगर आप इसे हॉलो करना चाहते हैं तो इसमें आप थिन फीचर लगा सकते हैं। थिन फीचर लगाने के लिए नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, यहाँ पे थिन फीचर दिया गया है। थिन फीचर एक्टिव करने के लिए इस बॉक्स में क्लिक करें। थिन फीचर में तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल सेलेक्ट कीजिए कि आप थिक इनसाइड चाहते हैं या आउटसाइड चाहते हैं या फिर मिड प्लेन से चाहते हैं या फिर टू डायरेक्शन में चाहते हैं। तो हम वन डायरेक्शन ही रखेंगे और आउटसाइड, ओके करें। तो ये देखिए ठीक हो गया। ये था बाउंड्री बॉस बेस, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।